सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। ऐसे में खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, दिखाएंगे इस अहम खबर के साथ। सरकारी देसी शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया है। महिलाओं के हंगामे से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए थे। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गांधी मोड़ के गिराई दानुपुर मार्ग का है। इसी मार्ग पर सरकारी देसी शराब की दुकान मौजूद है। इसी शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया है और कुछ देर के लिए महिलाओं ने आवागमन को भी ठप कर दिया था। मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने किसी तरह नाराज महिलाओं को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। हालांकि महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही शराब की दुकान नहीं हटी तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन कर रही किरण देवी, फोटो देवी, रजवंती, अनीता, निशा, सुनीता, मंजू ने कहा कि शराब की दुकान से गांव के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, महिलाओं का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। गांव में निर्माणाधीन आरआरसी सेंटर में शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। अब ग्राम प्रधान जिला प्रशासन से शिवलिंग हटाने की गुहार लगा रहा है। मामला औराई के गरौली का है। ग्राम प्रधान बालेश्वर मौर्य ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि ग्राम सभा में आरआरसी सेंटर का निर्माण चल रहा है। आधी रात के करीब निर्माणाधीन आरआरसी सेंटर में किसी ने शिवलिंग स्थापित कर दी है। ग्राम प्रधान ने कहा कि कुछ लोग सेंटर के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ग्राम प्रधान ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। उधर आरआरसी सेंटर में स्थापित शिवलिंग पर बकायदा पूजा पाठ भी शुरू कर दी गई है। बेलपत्र, फूल माला, धूप बत्ती जलाए गए हैं। भदोही शहर के रसपुरा एसआर पेट्रोल पंप पर खड़ी एक टैंकर को एक व्यक्ति चोरी कर भागने के फिराक में था। इसी दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों ने धर दबोचा और धनंजय मिश्रा नामक युवक ने इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर चोरी करने के शक में दबोचे गए व्यक्ति को हिरासत में लेकर भदोही कोतवाली चली गई थी। एसआर पेट्रोल पंप कर्मियों के मुताबिक शनिवार की सुबह एक व्यक्ति पहुंचा और टैंकर का दरवाजा खोलकर टैंकर चालू करने का प्रयास करने लगा। पूछने पर बताया कि टैंकर मालिक ने चालक को बदलकर उसे नियुक्त किया है। शक होने पर पेट्रोल पंप के कर्मियों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस के आने पर दबोचा गया व्यक्ति विक्षिप्त होने का नाटक करने लगा था। फिलहाल पुलिस हिरासत में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोपीगंज के थानीपुर गांव में पागल कुत्ते के हमले से 7 साल की एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। थानीपुर निवासी संजय कुमार गौतम की 7 वर्षीय पुत्री रोशनी शनिवार की शाम लगभग 7 बजे किसी काम से घर के बाहर निकली थी, तभी गांव में घूम रहे एक पागल कुत्ते ने हमला कर दिया। रोशनी के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहाँ डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। जुआरियों ने घर में रखे 2 मोबाइल व 15,000 नगद उड़ा दिए हैं। गर्मी के चलते परिवार के सदस्य मकान का दरवाजा खोलकर अंदर सोए हुए थे। मौका पाकर जुआरियों ने नकदी व मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया है। मामला औराई थाना इलाके के नकटापुर गांव का है। चंदन कुमार ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के एक बगीचे में बैठकर बाहरी व्यक्तियों के साथ गांव के कुछ लोग जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने के लिए गांव में आने वाले लोग रेकी कर चोरी जैसी घटना को अंजाम देते हैं। कहा कि उसका अगल बगल 2 कमरा है। गर्मी के चलते परिवार के सदस्य दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर सोए हुए थे। एक कमरे से 2 मोबाइल, 15,000 नगद व दूसरे कमरे से एक और मोबाइल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना पर डायल 112 पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। औराई ब्लॉक के अमवा माफी गांव में मौजूद पूर्व माध्यमिक विद्यालय की चहर दीवारी गिर गई है, जिससे विद्यालय में चोरी की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापक अनीता पाल ने खंड शिक्षा अधिकारी औराई को एक पत्र लिखा है। कहा कि रेलवे विभाग की लापरवाही के चलते विद्यालय की चहरदीवारी गिर गई है। कई बार रेलवे विभाग से शिकायत भी की गई। विद्यालय की चहरदीवारी से सटकर रेलवे विभाग ने गड्ढा खोद दिया है, जिससे चहरदीवारी गिर गई है। चहरदीवारी न होने से विद्यालय में चोरी का डर बना रहता है। अनीता पाल ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की है।
शनिवार की सुबह भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती यह लीला समाप्त करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। संयोग अच्छा था कि आसपास टहल रहे राहगीरों ने उसकी जान बचा ली। शनिवार की सुबह औराई इलाके के सोनकर परिवार की एक युवती गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गई। युवती लगातार रो रही थी। वहां मौजूद राहगीरों ने नजारा देख मंजर को भांप लिया और युवती को समझा बुझाकर किसी तरह रेलवे ट्रैक से बाहर ले आए। सूचना पर रजपुरा पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस ने युवती के परिजनों को जानकारी दी। पिछले 4 महीने से युवती अपने मायके में रह रही थी। उसका ससुराल महाराजगंज में बताया गया है। 15 अगस्त को लेकर भदोही जिले में तिरंगा झंडा बाजार सज गया है। बाजार में तिरंगा झंडा के साथ ही अलग अलग प्रकार की टोपी बैच व स्टिकर के दुकानों की भरमार है। उधर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। स्कूल कॉलेज निजी संस्थानों में 15 अगस्त मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भदोही शहर सहित गोपीगंज ज्ञानपुर सूर्यामा दुर्गागंज खमरिया घोसियां चौरी नई बाजार कोयरौना ऊज महाराजगंज जैसे बाजारों में तिरंगा झंडा की दुकानें सज गई हैं। तिरंगा इलेक्ट्रॉनिक लाइटों की भी खूब मांग है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर भदोही जिले में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आधार कार्ड बनाने संशोधन व लिंक कराने के नाम पर भदोही जिले में जमकर अवैध वसूली हो रही है। भदोही जिले के जिस स्थान पर भी आधार कार्ड संशोधन लिंक कराने का काम हो रहा है अधिकतर जगहों पर 200 से 300 रुपया अवैध वसूली की जा रही है। सूर्यामा निवासी बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दादा चौहान ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। दादा चौहान ने बताया कि डाकघर बैंक व कुछ निजी केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने संशोधन व लिंक कराने का काम हो रहा है। ऐसे केंद्रों पर जमकर छात्रों महिलाओं बच्चों व गरीबों से अवैध वसूली की जा रही है। बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दादा चौहान ने भदोही जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर आधार कार्ड के नाम पर वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव बाजार के चक हरिवंश भटान निवासी अमृतलाल शर्मा व सुशील कुमार ने ज्ञानपुर कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस में एक शिकायती पत्र देते हुए विवादित भूमि पर पत्थर गड़ी कर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। कहा कि उसकी एक जमीन थी जिस पर विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान राजस्व विभाग के आदेश के बाद पत्थरगड़ी कराई गई थी लेकिन विपक्षियों ने पत्थरगड़ी हटाकर मिट्टी पाट दी है। अमृतलाल शर्मा व सुशील कुमार ने थाना समाधान दिवस पर शिकायती पत्र देते हुए कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले राघोपुर ग्राम सभा के एक दलित बस्ती की सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। सड़क पर चलना भी दुश्वार हो गया है। इलाके के राजू धीवर राजेश गौतम लल्लू गौतम अशोक गौतम राजकुमार गौतम जैसे लोगों ने बदहाल सड़क को लेकर नाराजगी जताते हुए बताया कि 200 की आबादी वाले इस बस्ती की सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है। राजेश गौतम के घर से लौधर गौतम के घर तक सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बारिश के मौसम में सड़क कीचड़ से चुकी है। आए दिन बूढ़े बच्चे व महिलाएं गिरकर चोटिल हो रही हैं। कई बार सांसद विधायक व इलाके के ग्राम प्रधान से शिकायत भी की गई लेकिन बदहाल सड़क को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। राघोपुर दलित बस्ती के लोगों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल सड़क के मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय 35वां संभागीय खो खो प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता समापन के मुख्य अतिथि न्यायिक एसडीएम औराई आकाश कुमार रहे। प्रतियोगिता में कई जनपदों की टीम पहुंची थी जिसमें वाराणसी व हरिद्वार की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। समापन समारोह में सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन कराए गए थे। इस मौके पर राजेश कुमार मनार्जन सिंह सहित काफी संख्या में बच्चे मौजूद रहे। जल निगम के ठेकेदार की लापरवाही के चलते सड़क की पट्टी दलदल बन गई है। आए दिन वाहन फंस रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है औराई के समझा खास ग्राम सभा की। कुछ समय पहले भरतपुर मार्ग पर हर घर जल हर घर नल योजना के तहत पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइप बिछाने के लिए सड़क की पटरियों को खोदा गया था। पाइप डालने के बाद गड्ढे को ठीक ढंग से पाटा नहीं गया जिससे आए दिन वाहन फंस रहे हैं। शनिवार को भी इसी मार्ग पर एक स्कॉर्पियो फंस गया था। इलाके के सूरज कुमार संदीप बिंद दीपक अशोक कुमार के सहयोग से फंसे वाहन को बाहर निकाला गया। इलाके के लोगों ने दलदल सड़क पटरी को ठीक कराए जाने की मांग की है।
15 अगस्त को लेकर भदोही जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह जहां दलबल के साथ औराई चौराहे पर फ्लैग मार्च कर चेकिंग अभियान चलाया, वहीं गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी चौकी प्रभारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ स्टेशन पर जाँच पड़ताल की है। इस दौरान यात्रियों के बैग झोले अटैची को भी खंगाला गया, साथ ही स्टेशन पर आने वाले वाहनों की भी जांच पड़ताल की गई। प्लेटफार्म पर मनमानी तरीके से टहलने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। 15 अगस्त को लेकर भदोही जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शनिवार को भदोही शहर के नुरखापुर व आलमपुर मोहल्ले से दो परिवार के लोग उमरा सफर पर रवाना हुए हैं। नुरखापुर से हाफिज अख्तर अत्तारी व आलमपुर से हाफिज शमशाद अंसारी व उनकी माता बहन पाक सफर उमरा के लिए रवाना हुए हैं। भदोही रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। इस दौरान मोहल्ले में लोगों ने जोरदार स्वागत करते हुए सफर उमरा के लिए रवाना किया। शनिवार को ज्ञानपुर तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ अधिवेशन बुलाया गया था। अधिवेशन में महासंघ से जुड़े पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं। भदोही से अशोक कुमार सिंह प्रांति अध्यक्ष, राधा पंजाबी व मुनई राम प्रांति संयुक्त मंत्री, सुशीला यादव प्रांति कोषाध्यक्ष व मुख्तार अली प्रांति ऑडिटर निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह चंदौली वाराणसी मिर्जापुर सहित गैर जनपदों के पदाधिकारी भी निर्वाचित हुए हैं। अधिवेशन में संगठन को लेकर जहां चर्चा की गई, वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी हुंकार भरी है। सम्मेलन का संचालन द्वारिका प्रसाद मुदनवाल ने किया। सभी निर्वाचित सदस्यों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया है। सपा MLC नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव शनिवार को भदोही पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष का सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। सपा जिला कार्यालय ज्ञानपुर में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र दिया है। पार्टी कार्यालय पर पहुंचे MLC नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का प्रदीप यादव, हृदय नारायण प्रजापति, दीप नारायण भारती, सरिता बिंद सहित तमाम सपाइयों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं पूर्व सांसद फूलन देवी के जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता की मेहनत व उत्साह के चलते ही बीते लोकसभा चुनाव में सपा को बड़ी कामयाबी मिली है। कहा कि अभी से सभी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाएं। इस मौके पर सपा नेत्री कंचन सोनकर, बिंदु सरोज, बबिता सरोज, सहजादी बानो, नगमा मौजूद रहीं। शनिवार को भदोही जिले में आयोजित समाधान दिवस में मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी व पुलिस उप महानिरीक्षक RP सिंह भदोही जिले में पहुंचकर फरियाद सुनी है। औराई थाने में पहुंचकर दोनों आला अफसरों ने फरियाद सुनी है। इसी तरह भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में आयोजित थाना समाधान दिवस में पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने फरियाद सुनते हुए कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया है। DM SP के निर्देश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने नकली मोबिल बनाने के फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भदोही शहर के मोरवापुल कारपेट सिटी में नकली मोबिल बनाने की यह फैक्ट्री चल रही थी। नकली मोबिल बनाकर ब्रांडेड कंपनी का लेबल व डिब्बे में पैक कर भदोही की बाजारों में बेचा जा रहा था। SDM भदोही व CO अजय कुमार चौहान ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की है। 35 पेटियों में कुल 700 डिब्बे, 360 लीटर डीजल, 1200 रैपर व मोबिल के खाली डिब्बे बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि फर्म मालिक विनय कुमार सिंह व मैनेजर मुकेश कुमार गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, इसके लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को फोन कर सकते हैं। हम उसका भी आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही हम उनका भी बहुत बहुत आभार जताते हैं जो भदोही जिले में होने वाली किसी भी खबर को हमारी टीम को बताते हैं। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।